अकेले ही तय करने होते हैं कुछ सफर। जिंदगी के सफर में हर बार हम सफर नहीं मिला करते। इस बात को जितनी जल्दी हम समझ जाएंगे हमारे लिए उतनी ही आसानी होगी। अब चूंकि आज मैंने सफर की बात की है तो आज मेरी जो मेहमान है वो हमेशा से ही सफर पे रही हैं, और सफर भी कोई ऐसा वैसा नहीं, वो मोटर बाइक पर सफर करती हैं, और वो कोई आसपास नहीं जाती हैं, वो पूरे भारत को नाप चुकी हैं। और उनकी खासियत यह है कि वो पहली ऐसी महिला हैं जिन्होंने 8 माउंटेन पासेस को एक स्ट्रेच में, मतलब एक बार जो उन्होंने ट्रैवल किया ना उसमें कवर कर लिया था। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उनका नाम दर्ज है, और सिर्फ पहली बार में ही नहीं उनका लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज है, उन्होंने ऐसे कई कारनामे कर दिखाए हैं जिसकी वजह से उनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में। मैं आपको सिर्फ 3 बताऊंगी। पहला मैं आपको बता चुकी हूं, दूसरा बता रही हूं कि शी इज द फर्स्ट सोलो मोटरसाइकिलिस्ट टू राइड टू माना पास एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 5638 मीटर्स। उसके बाद एक और बार उनका नाम दर्ज हुआ लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में, और वो इसलिए क्योंकि जो हाईएस्ट फ्रेश वाटर लेक है ना देवताल, उन्होंने उसको भी कवर किया, मतलब वो पहली ऐसी वुमेन थी। तो ऐसी शख्सियत को अपने प्रोग्राम में आमंत्रित करना मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, क्योंकि मैं तो मोटरसाइकिल पर बैठना भी नहीं जानती हूँ, है ना। जिसे चलाना बैठना ना आता हो उसके लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक ऐसी अचीवर आज मेरे साथ हैं। उन्हें राष्ट्रपति से पुरस्कार भी मिला हुआ है, नारी शक्ति सम्मान से वो सम्मानित हैं, वो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। मतलब आज जिनसे आपकी मुलाकात होने वाली है एक बहुत ही स्ट्रांग महिला है, जो सिर्फ एक बाइकर के तौर पर अपनी पहचान नहीं बना चुके हैं, बल्कि उन्होंने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में कई बार अपने नाम दर्ज किए हैं, और वो भी पहली महिला बनके। उनका नाम है पल्लवी फौजदार जी, और मैं उनको देती हूँ एक इनविटेशन, आपके मन में कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। हेलो मिर्ची चौहान जी, हाउ आर यू? तो ये भेजती हूँ मैं पल्लवी जी को एक रिक्वेस्ट। मीरन जी हेलो, मैं ऐड नहीं कर पाऊंगी किसी और को भी, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ आज पल्लवी मैम से बात करना है। वेलकम मैम, वेलकम। हेलो, कैसी हैं आप? फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर प्लेटफॉर्म। थैंक यू मैम, इट्स ऑल माय प्लेजर, क्योंकि आज मैं एक पहली ऐसी महिला से मिल रही हूँ जिसने हर काम कारनामा जो है पहली बार किया, और हर बार लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करवाया। कहीं ऐसा तो नहीं मैं कुछ मिस कर रही हूँ? आपका वो पहली बार वाला जो किस्सा है उसको मिस तो नहीं कर रही हूँ ना मैं? देखिए, हम सभी की जिंदगी में बहुत सारी चीजें होती हैं जो पहली बार होती है, और हर जो पहली चीज होती है, पहली बार का अनुभव जो होता है वो बिल्कुल अलग होता है, वो बहुत खास होता है हम सभी के लिए। और सॉरी आई मिस्ड कि आपने क्या क्या मेरा पहली बार का बता दिया, बट आपका पहली बार का मैंने आपका वो 8 माउंटेन पासेस वाला बता दिया, आपका वो जो फ्रेश वाटर लेक जो आपने क्रॉस किया उसको बता दिया, फिर माना पास का बता दिया। तो ये 3 मुझे मालूम था पहली बार वाले, जिसमें आपका नाम लिम्का एंड उमलिंगला दर्ज है। जी, मेरा जो पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बना था वो 2015 में बना था, जिसमें मैंने सिंगल जर्नी में 16 पासेस, माउंटेन पासेस कवर किए थे। उसमें से 8 पासेस जो थे 5000 मीटर से ऊपर के थे, जो मेरा पहला लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड दर्ज हुआ था। उसके बाद 2015 में ही मेरा दूसरा जो वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हुआ था वो वर्ल्ड की हाईएस्ट फ्रेश वाटर लेक पर पहुंच करके हुआ था, जिसको देवताल कहते हैं, जो उत्तराखंड में है। और थर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरा हुआ था माना पास 0 पॉइंट पे पहुंचकर, जिसकी हाइट है 17,732 फीट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो मेरा तीसरा विश्व रिकॉर्ड था, जिसको कि विश्व का सबसे ऊंचा पास कहा जाता है। एंड 2017 में यहाँ इतनी मैं कहूंगी सफलता पाकर के, या ये कहिए
कि इन ऊंचाइयों पे पहुंच करके कि आपका एक हौसला और बुलंद हो जाता है, लोगों की भी आपसे अपेक्षा होती है कि और आगे क्या और क्या, और लोगों को आप कब गिनते हैं, जब जिंदगी आप जब जीना सीख लेते हैं, कहते हैं ना जब आप चलना सीखना चाहते हैं बचपन में सीख रहे होते हैं गिर गिर कर चलते हैं, जब आप दौड़ना शुरू कर देते हैं संभलना शुरू कर देते हैं तो वो आपकी रफ्तार, वो जो चलना होता है, वो दौड़ जो होती है जिंदगी की हो या आपकी हो, वो थमती नहीं है। तो ऐसे ही मेरा था जो लगातार विश्व रिकॉर्डों का ताता बत्ता गया। तो एक पता चला 2017 में कि एक और नया पास है, तो मैंने कहा चलो मुझे उसकी भी कोशिश करनी चाहिए। तो 4 अगस्त 2017 को मैंने हाँ उमलिंगला पहुंचकर अपना ही कीर्तिमान जो हासिल किया था माना पास पहुंच करके अपना ही बनाया हुआ वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया था उमलिंगला माय पहुंचकर, गॉड, जिसको जिसको कि अब विश्व की सबसे ऊंचा पास में दर्ज किया गया है और उसकी हाइट है 19,323 फीट। माय गॉड, और बहुत सारी महिलाओं से मैंने ये सुना है, वो कहती है कि एक एक सीरियल आया करता था, अगले जब प्रार्थना करती है ईश्वर से तो कहती है कि काश मतलब जो हो गया अगले जन्म में मुझे बेटा करना। तो मैं ये हाँ कहती हूँ अगले कि जब जन्म मैं मुझे उन बिटिया ना ऊंचाइयों पे भेजो। पहुंची, मुझे अपने महिला होने पे अपनी उस शक्ति का एहसास हुआ और बहुत गर्व हुआ वहां पर पहुंच करके, और मुझे लगा कि अगर शक्ति ठान ले तो कुछ भी पाना असंभव। नामुमकिन, मतलब हाँ मतलब सब कुछ बिल्कुल संभव है, बस आपकी चाह और बस आपका दृढ़ निश्चय आपने होना बिल्कुल चाहिए कि सही हाँ मुझे कहा। करना है। आधी मैं कहूंगी आधी लड़ाई आप तभी जीत लेते हैं जब आप ये निश्चय कर लेते हैं कि हाँ ये चीज मुझे करनी है। आपने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। और जानते हैं, जब मैं आपके जी प्रोफाइल को पढ़ रही थी और जब मैं आपकी जीवन को देख रही थी, तो मैंने सिर्फ एक बात ये सोचा कि आपने जीवन भी वो चुना जिसमें सिर्फ चुनौतियां हैं, सिर्फ रिस्क हैं। ये जुनून आपके अंदर आया कैसे होगा? क्योंकि हम यूजुअली ये सोचते हैं कि हमें एक कंफर्ट जोन मिले, हमें कहीं बाहर, जैसे ये धूप और गर्मी, आप आज बाहर थी, आप आज बाइकिंग कर रही थी और आपके बाइक की चेन टूट गई, मतलब इतने एडवर्सिटीज आपके साथ रही। आज हमारा 1:30 बजे के बदले हम डिले करते करते हम इस समय कर रहे हैं क्योंकि आपने वो सारी चुनौतियां देखी। तो मैं उस वक्त यही सोच रही थी कि इतनी मुश्किल जिंदगी चुनने के पीछे क्या वजह है, मतलब क्या मजा आता है आपको इतनी मुश्किलों में? चलिए सबसे पहले शुरुआत तो मैं माफी से करूंगी क्योंकि 1:30 बजे का समय था हमारा अरे और इस समय प्लीज, हम लगभग 3:30 बजे के करीब शुरू कर रहे हैं, बिकॉज आज हम अरावली हिल करके यहाँ पे ट्रेल्स हैं तो पानी कम एंड ऑल वहाँ का अच्छा अच्छा जो हाँ ट्रेल है दे आर द टफेस्ट वन, और उनपे मैं 2 बार गिरी एंड मेरा एक बार क्लच टूटा, क्लच लीवर टूटा, फिर उसके बाद चेन टूट गया मेरा, तो उसके चक्कर में मेरा काफी लेट हो गया। तो चुनौतियों वाली बात जो आपने कही, देखिए चुनौतियां तो आप कुछ भी करते हैं जीवन में, आप अगर घर में भी बैठे नॉर्मल जीवन यापन करने के लिए भी चुनौतियों का सामना तो करना पड़ता है। अब ये आपको आपके शौक के ऊपर डिपेंड करता है कि आप देखिए चुनौतियां तो हैं आपके सामने, आप किस तरह हाँ की चुनौतियों को हाँ एक्सेप्ट करना चाहते हैं। इसकी शुरुआत वहां से हुई जहाँ देखिए बचपन में हमारे हमारा दौर था उसमें सुना करते थे लड़के लड़की का फर्क, बड़े हुए शादी हुई लगा कि शायद शहर का है, बिकॉज आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन आगरा, तो मुझे लगा शायद शहर का ही कुछ होगा। जब शादी होकर के लखनऊ पहुंची तो मुझे लगा हो सकता है यूपी की सोच ऐसी होगी, फिर जब दिल्ली आई तो वो जो फर्क था ना वो खत्म नहीं हो रहा था। आज भी लोगों ने तय कर रखी थी जो महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए क्या करना है नहीं करना है, उनके चाहे एजुकेशन से रिलेटेड हो, एजुकेशन तो मैं कहूंगी फिर भी आज भी हम लोग को बहुत फ्रीडम मिल गई है, बट इस जी तरह के शौक के लिए अनुमति मिल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। बाइकिंग एक ऐसी चीज थी जिसमें जो मेरे को बचपन से बहुत ज्यादा लगाव था, फादर वॉज अ बाइकर तो उनके साथ बैठ करके निकलना और जो रफ्तार से जो लगाव हुआ था वो तब से था। एंड जीवन यापन करने के लिए बहुत सारी चीजें की, फैशन डिजाइनिंग किया, हाँ फिर पैनिकिंग भी की, ज्वेलरी डिजाइनिंग की, लेकिन कहीं पे भी वो सुकून नहीं मिल रहा था जो सुकून एक बाइक चला करके मिलता है और रफ्तार जो तेज हवा को चीरते हुए निकल जाने पे मिलता है। तो हाँ आप मेरे को जब मैंने ये करना शुरू किया तो मुझे लगा कि आई थिंक आई एम
बॉर्न फॉर दिस, मैं इसी के लिए पैदा हुई हूँ एंड मुझे इसी में कुछ करना है। देखिए आप बाइकर हैं, बाइक चलाते हैं, तो बुद्ध बहुत सारे लोग हैं जो अपना जीवन यापन करने के लिए, दिनचर्या के लिए लोग बाइक चलाते हैं, अपनी ब्रेड एंड बटर को सर्वाइव करने के लिए बहुत सारे लोग हैं जो बाइक चलाते जी हैं। तो इट इज नॉट एन अचीवमेंट कि पुरुष बाइक चला रहा है, पुरुष जीन्स पहनते हैं, आज महिला ने जीन्स पहन लिए, तो इट इज नॉट एन अचीवमेंट। व्हाट इज द डिफरेंट? तो वो आपको अगर कहते हैं ना फर्क जो दिखाने के लिए, तब मैंने ये चीज ठानी थी कि अगर मुझे कुछ करना है तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो एक मिसाल कायम हो। और व्हेन यू रियली वांट टू सेट अप एन एग्जांपल, देन वो घर पे आपके कंफर्ट जोन में बैठकर नहीं होता है, यू हैव टू कम आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन फॉर इट। देन आई बिल्कुल डिसाइडेड, ठीक कहा। आई स्टार्टेड राइडिंग। एंड जो एक होता है ना, ये आप ये मत समझिए कि ये उपलब्धियां मेरी हैं या ये अचीवमेंट सिर्फ मेरे हैं, ये मैं कहूंगी कि हमारे जो महिला श्रेणी के हैं, जो ये जीत है एक समाज को, ये एक आईना दिखाने की जरूरत थी, मेरी जो कोशिश थी कि हम अगर साथ हैं, अगर हम कुछ कर रहे हैं, तो वो भी हमारी मतलब मर्जी है मैं कहूंगी। और अगर हम कुछ करने के लिए बाहर निकलते हैं, तो वो भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, वी आर लिमिटलेस। तो कई आपने बार ये होता बात है कि हम सही खुद ही कही। डाउट करते हैं अपनी लिमिट्स को लेकर के, वी कैन डू इट और नॉट। तो मैं भी कई बार चेक करती रहती हूँ, जो आज की एक राइड की कोशिश थी वो उसी लिमिट को चेक कर रही थी। तो वो चीजें तो चलती रहती है। तो चुनौतियों का तो ये है कि जब आपको कोई भी नशा आप पहली बार जब करते हैं, तो आपको अटपटा सा लगता है। जब वो नशा आप दूसरी बार करते हैं, कोई भी दुनिया का आप नशा उठा लीजिए, दूसरी बार जब राइट करते हैं, तो धीरे धीरे आपको जब उस नशे की आदत हो जाती है, शुरुआत में आपको उसका टेस्ट पसंद नहीं आएगा या कुछ भी होगा, आप शुरुआत में बाइक लेंगे तो गिरेंगे तो चोट लगेगी, ऐसे ही चीजें होती है। बट नशा एक नशा होता है। तो ये बाइकिंग का जो नशा मुझे लगा, ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। बस ये नशा आपका बहुत अच्छा है, इसकी वजह से आपको राष्ट्रपति का सम्मान मिल चुका है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। वो हमारे लिए कितनी फख्र की बात है कि एक सोलो बाइकर को अवार्ड मिला है, वो भी आपके अचीवमेंट्स की वजह से। अच्छा, एक मन में सवाल था मेरे, माफ कीजिएगा, सवाल मेरे मन में ये था कि जैसे भी आप बात कर रही थी कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर के आपने काम किया, और शादी के बाद, बच्चे होने के बाद भी आप इस पैशन को लेकर के बिल्कुल बाहर हैं। सबसे मुश्किल काम मुझे लगता है सामंजस्य स्थापित करना, घर और फिर बाहर, और बाहर भी ऐसा बाइक पर जिसमें कि परिवार के सदस्य ऐसे ही डरे रहते होंगे कि यार तू गिर जाएगी, तेरे को चोट लग जाएगी, मतलब आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर के इतनी टेंशन तो पूरे परिवार को हमेशा देखिए होती होगी। बाहर बाहर का उन्हें क्या कोई ये नहीं समझाया? कहता कि चोट लगे। हाँ, बाहर का कोई भी ये कंसर्न नहीं होता इस चीज से कि आपको चोट लगेगी या क्या होगा। बट हाँ, जरूर मैं ये कहूंगी कि जब मैंने करना शुरू किया था तो मेरे घर पे शिकायतों का तांता लग गया था। मेरे पिताजी के पास मैं आए दिन शिकायतें आया करती थी कि आपको पता भी है कि आपकी बेटी क्या करती है? तो उनको एकदम से झटका लगा, पता नहीं ऐसा क्या कर रही है जो मुझे नहीं पता है। तो उन्होंने बताया कि तेज रफ्तार से आपकी बेटी बाइक चलाती है। हाईवे पे निकल जाती है और बहुत तेज बाइक चलाती है। तो भाई अब हिंदुस्तान में आप पैदा हुए हैं, बेटी है, आप माँ बाप का हो, समाज का हो, सबसे बड़ा कंसर्न होता है बेटी पैदा हुई है तो एक दिन शादी होनी है। तो अब भाई ऐसी बेटी से शादी कौन करना चाहेगा जो जो बाइक इतनी चलाती है? इंडिपेंडेंट नहीं, जो बाइक चलाती है मतलब ये तो फिर हमारे घर में आकर मर्दों से टक्कर करेगी अगर इसका एटीट्यूड ये है। तो फिर वही होता है समाज का सबसे बड़ा, तो ये होता है अगर कोई आगे निकल रहा है तो उसको रोको। जो एक समाज की सोच जो है, अगर कोई आगे निकल रहा है तो उसको सोचो उसको। पर मैं ये कहूंगी कि मेरी मेरी आजादी को जो पंख, उस दिन जो मेरे पिताजी का जो जवाब था उन सज्जन को, जो उनके एक फ्रेंड घर पे आए थे मेरी शिकायत को लेकर के, उन्होंने कहा जब मेरे दो बेटे और हैं, मैं एजुकेशन में दो तीनों बच्चों में कोई फर्क नहीं करता हूं, तो शौक को लेकर कैसे कर सकता हूँ? क्या बात है। और आप बिलीव नहीं करेंगी योगिता, मेरे पापा की वो जो बात थी वो आज भी मुझे याद है। और उस समय अभी तक वो शरारतों में जुड़ी हुई थी, बाइक चोरी करके ले जाना चलाना, पर उस समय एक जिम्मेदारी का एहसास ऐसा हुआ कि जो जब इतना विश्वास है तो अब कुछ ना कुछ तो ऐसे करके दिखाना है कि एक दिन मेरे घर वाले मेरे नाम से जाने जाएं। अरे और वाह, जब वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बने,
मीडिया में सब जगह ये खबर फैली, और उसके बाद अवार्ड्स का जब ताता लगता गया, प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिला 2017 में, नारी शक्ति पुरस्कार और रानी लक्ष्मी बाई पुरस्कार आदित्य योगीनाथ योगी द्वारा जी, है ना, आदित्यनाथ जो जी। यूपी के सीएम है, और उन उनसे पहले पूर्व सीएम जो थे उन अखिलेश यादव जी, उनके द्वारा मेरे को आउटस्टैंडिंग ग्लोबल वुमेन ऑफ यूपी का खिताब मिला। तो इस तरीके से काफी पुरस्कार मिलते गए। और कहते हैं कि पुरस्कार, नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। एक जब सबसे बड़ा पुरस्कार जब मैं राष्ट्रपति के सामने खड़ी थी, और उस तब एक सवाल था, पुरस्कार मैं ले रही थी, रिसीव कर रही थी उनसे, लेकिन एक अंदर से एक आवाज थी, अब क्या, क्या हाँ यही सब खत्म, मतलब यू हैव अचीव्ड एवरीथिंग, यस नो व्हाट नेक्स्ट। हाँ रिकॉर्ड्स बना लिए, उसका अचीवमेंट, आपको अवार्ड्स भी मिल गए, तो अब क्या है। तो वहां पे एक एहसास अंदर में, जो दिल में जागा, कि नाउ इट्स अ टाइम टू पे बैक। लोगों ने इतना विश्वास किया, मुझे आजादी दी, घर वालों से मेरे को इतना सपोर्ट मिला, बिकॉज शुरुआत में एवरीबॉडी वॉज कंसर्न अबाउट सेफ्टी, कि मेरी मदर का ये था कि नाउ यू आर अ मदर ऑफ टू, यू हैव अ हैप्पी फैमिली, हस्बैंड है, सब कुछ है, ये कॉलेज टाइम में सब कुछ फितूर अच्छा लगता है। अब एक शादी होने के बाद में, और शादी के 10 साल के बाद में, तो ये मतलब हमें समझ में नहीं आता है। अच्छा, आपने जो 10 साल का ब्रेक ले किसी लिया भी था क्या? यू हैड 10 साल टेकन का अ ब्रेक ब्रेक। लगा था, बच्चे छोटे थे, हाँ जी बच्चे छोटे ओह थे, उनके अच्छा। थोड़ा बड़ा होने का वेट किया, एंड सारी चीजें होता ही है, बिकॉज एक एक चीज और होती है, जब आप जिंदगी जी रहे होते हैं शादी से पहले, तब तक आपकी अपनी होती है, जब आपकी हाँ शादी हो जाती है, नाउ यू आर अ वाइफ, यू आर अ डॉटर इन लॉ, यू आर अ एंड आफ्टर सम टाइम यू आर अ मदर, तो ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज साथ में लेकर के आते हैं, तो वो पूरा करते करते आपको एहसास होता है कि आपने कहीं अपने आप को खो दिया। एंड जो मैं अपने आप को उस समय जाना, उस समय अगर मैं बैक जाकर के याद करूं, तो जो मैं एक शख्स थी, एक रिबेलियन नेचर की थी, कि किसी ने अगर कहा कि ये नहीं करना है, तो गिव मी अ रीजन फर्स्ट कि क्यों नहीं करना है। एंड उसके बाद में बिल्कुल जैसे लोगों ने कहा शादी के बाद, वैसे एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। तो वो एक जो टाइम था, एक टाइम आता है कि आप अपने आप को खो देते हैं, तो जब आईने में खड़े होकर के अपने आप को देखते हैं, तो लगता ही नहीं है कि वो शख्स है। तो वो जो एक ये जो मेरी जर्नी थी, कहीं अपने आप को खोजने की थी, और इसके बहुत सारे मतलब थे, जो आज मैं आपके सामने एक इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट एंड सोशल एक्टिविस्ट की तरह से जो मैं हूँ आज, तो जो मैं पुरस्कार बिल्कुल की बात आपको बता रही थी, तो पुरस्कार मिलने के बाद जो एहसास हुआ, तो लगा कि नाउ अब मुझे कुछ समाज के लिए करना चाहिए। तो मैंने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के साथ में मिलकर के 181 जो चाइल्ड वुमेन एंड हेल्पलाइन चाइल्ड से हेल्प, हाँ जी, जी। उसको रीलॉन्च किया, उसको प्रमोट किया, क्योंकि हम लोग सभी ये चाहते हैं, अपने इर्द गिर्द जब हम देखते हैं, तो हम बदलाव तो चाहते हैं, हम लोग कमियां ज्यादा निकालते हैं सोसाइटी में, हम उन कमियों को खत्म करने के लिए अपनी तरफ से क्या कोशिशें करते हैं। तो यही सोच रखते हुए 181 को दोबारा से रीलॉन्च किया गया, एंड उसमें शहरों को ना चुन करके मैंने जो प्रचार का जो इलाका चुना, जो क्षेत्र चुने, वो थे हमारे गांव और हमारे कस्बे। क्योंकि जब आप कोई एक मकान भी खड़ा करना चाहते हैं, तो आप उसकी सबसे पहली चीज जो होती है, नींव मजबूत जी बनाते हैं, और ये कस्बे और गांव हमारी एक नींव बिल्कुल है। अगर बदलाव लाना है तो वहीं से लेकर के आना पड़ेगा। तो यही सोच को रखते हुए उत्तर प्रदेश के कई जिलों को, पहले पूर्व एंड फिर उसके बाद में आपका बागपत, मेरठ और इस तरफ के, जहाँ वुमेन ट्रैफिकिंग एंड काफी सारे केसेस होते हैं, उन सारे केसेस को लेकर के, एंड काफी अच्छी तौर पर मैंने वुमेन राइडर्स की टीम तैयार करी थी, और उनको लेकर के राइड किया और प्रचारण प्रसार किया इसका जी। माय और उसके गॉड, साथ में भी काफी आपकी जर्नी जबरदस्त और है। कुछ ना कुछ एजेंडा जुड़े रहे, जो सोसाइटी के लिए जहां पे भी किसी भी तौर पे काम कर सकते थे जी। तो अब थैंक्स मेरा सो ये मच है मैम। कि अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं, तो मेरा मीडियम बाइक है,
बाइक के साथ में जब आप पहुंचते हो तो आपकी एक लाइव स्टोरी पहुंचती है, जब हाँ बिल्कुल आपकी ठीक है। स्टोरी एक न्यूज़पेपर या मैगजीन के थ्रू होती है, न्यूज़पेपर की खबर की लाइफ होती है एक दिन, मैगजीन की एक एग्जैक्ट महीना 2 महीना या जब तक मैगजीन आपके सामने है, लेकिन जब आप खुद बिल्कुल कहीं पहुंचते हैं तो लोगों को भुला पाना बहुत मुश्किल होता है आपको। तो वो एक जो मिसाल बिल्कुल कायम होती है, और हर एक शख्स, जैसे हम स्पोर्ट्स पर्सन को देखते हैं तो बच्चे चाहते हैं कि मैं ये बनूं वो बनूं, कई बच्चे जैसे फिल्म स्टार्स को देखते हैं तो बच्चियां बोलती हैं कि मेरे को हाँ कटरीना बनना कटरीना है, प्रियंका बनना बनना है। है। तो इसी तरीके से एक सफल कहानी जब उनके घर तक पहुंचती है हाँ। तो मैंने कई लोगों के मुंह से सुना कि दीदी हमें आपके जैसा बनना है। तो इससे बड़ी उपलब्धि कुछ हो ही नहीं मैं सकती जो कहूंगी आपने ये मेरे काम किया लिए, है। जब मैंने ये शब्द सुने थे, मेरे लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से ज्यादा बड़े थे। फिर से बिल्कुल सही आपने कहा, बिल्कुल सही। आपकी जो जर्नी है ना वो सच में बहुत बहुत इंस्पायरिंग है, और जितने लोग अभी तक जुड़े हैं या बाद में भी इसको सुनेंगे तो उन्हें एहसास हुआ कि आपने अपनी लाइफ में जो अचीव किया है वो बहुतों के लिए सिर्फ सपना ही है ना। तो चूंकि आपकी जर्नी बहुत सुंदर है तो मुझे इतना भी पता है कि सुंदर जर्नी को बनाने के पीछे जो हार्डशिप्स हैं वो भी बहुत जी जबरदस्त रहे होंगे। मैं आपसे सच में जी दिल से ये जानना चाहती हूँ, कोई ऐसा इंसिडेंस आपको याद है जो इतना लाइफ थ्रेटनिंग था कि आपको लगा कि बस बेटा ये शायद मेरा ये आखिरी राइड है, पता नहीं अब आगे क्या होगा, ऐसा कभी आपके साथ कुछ हुआ? पहली राइड से लेकर हर राइड पे होता है। मैं जब भी लॉन्ग डिस्टेंस राइड पे निकलती हूँ, मैं हर बार यही सोच करके निकलती हूँ कि ये शायद मेरी आखिरी राइड होगी। बट जरूर एक एक वाक्य ऐसा है जो मैं आपके साथ में साझा करना चाहूंगी। मैं 2015 में जब मैं राइड पे निकली थी, बिकॉज क्योंकि वो पहली मेरी लॉन्ग सोलो राइड थी और उसके लिए घर वालों को कन्विंस करना बहुत ही मुश्किल था, मेरी माँ को, हस्बैंड को, और खासतौर पे छोटे छोटे दो बच्चे जो हर चीज के लिए एक माँ की तरफ देखते हैं, और जो लोगों को लेकर के जो एक गुस्सा था वो मेरे अंदर भरा हुआ था बहुत ज्यादा, जो डिफरेंस जो किया जाता है। तो मैंने शायद उस गुस्से में ही वो जर्नी अपनी स्टार्ट करी थी, और मैंने बच्चों को ये बोला था कि बेटा मम्मा जा रही है राइड पे और कुछ ना कुछ बड़ा करके आएगी, अगर वापस आएगी तब भी नाम होगा और अगर वापस नहीं आई तब भी नाम होगा। तो बच्चों का, मेरा बड़ा बेटा, छोटा तो बहुत छोटा था उस टाइम पे, बड़े बेटे ने बस ये बोला था, मम्मा हमें नहीं पता आप कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो, बट हमें ये मालूम है कि हमें आपकी जरूरत है एंड यू हैव टू कम बैक सेफ एंड साउंड। तो बच्चों की ये जो बात थी मेरे जहन में बार बार गूंजती रही राइड में, जैसे एक कोई गाना रिपीट हो रहा होता है। मैं खारदुंगी पहुंची थी, मॉनसून में मैंने राइड स्टार्ट करी थी क्योंकि बच्चों के गर्मियों की छुट्टियां उसी टाइम पे होती हैं, एक वही टाइम आपको मिलता है व्हेन यू आर फ्री। तो मैंने मॉनसून में अपनी राइड स्टार्ट करी थी 7th of July को, एंड मैं खारदुंगला पहुंची। वहां पे 7 एवलांचेस आए थे बैक टू बैक, खारदुंगला के ओह दूसरी हाँ तरफ, खारदूंग विलेज की तरफ जो है। हाँ तो आई गॉट स्टक देयर फॉर सम आवर्स, एंड वहां पे मतलब जितने भी उस जगह पे टॉप पे आर्मी के लोग थे या लोकल भी लोग थे, हर एक ने यही बोला कि मैम आप आगे नहीं जा पाओगे, ऑलरेडी 6 बज चुके हैं, अब आप आगे जाने का तो सोचिए ही मत, आप वापस हाँ लद्दाख चले जाइए। अच्छा और आज तो फिर भी पेट्रोल पंप काफी जगह खुल गए हैं, उस टाइम पे पेट्रोल पंप बहुत ही कम हुआ करते थे। हाँ तो हाँ मेरे लिए ये बहुत ही बड़ी चुनौती थी कि वहां से 40 किलोमीटर में नीचे जाऊंगी, 40 किलोमीटर कवर करके आई हूँ, फिर 40 नीचे जाऊंगी, नेक्स्ट डे फिर 40 आऊंगी, तो मेरे लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। एंड अंदर से बस एक ही आवाज आ रही थी कि इस जर्नी पे मैं निकली हूँ तो आगे जाने के लिए निकली हूँ, पीछे जाने के लिए नहीं। अगर पीछे कदम भी रखना होगा तो वो एक शेर को देखा है ना आपने कि हाँ पीछे कदम रखता है आगे छलांग लगाने के लिए। सुनने में बचकानी बातें लगती हैं, बट ये हिम्मत दिलाने के लिए जब आप होते हो तो ये आप बहुत बहुत बड़ी बड़ी बात होती है। वहीं पे ये मैं बिल्कुल दिल से महसूस किया हुआ वाकया आपको बता रही हूँ, जो मेरे अंदर द्वंद चल रहा था कि क्या करूं, और जब तक पूरा इलाका खुला तब तक रात के 9 बज चुके थे, और रात के 9 बजे आपका खारदूंग पहुंचना, जहाँ मेरा टारगेट था थॉयस तक पहुंचने के लिए, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। तो जब सारी गाड़ियां निकलनी शुरू हुई, बिकॉज बहुत सारी गाड़ियां फंसी हुई थी नीचे जाने के लिए, ऊपर दूसरी तरफ जाने के लिए, तो लोगों ने जब निकलना शुरू किया, मैंने अपनी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करी, बाइक
ठंडी हो चुकी थी, बाइक स्टार्ट ही नहीं हुई। एंड वहां पे एक टॉप पे मंदिर है, तो वहां की आखिरी आरती उतार करके, बिकॉज आर्मी के लोग भी वहां से चले जाते हैं, इतने हाई एल्टीट्यूड पे नहीं रुकते बिकॉज हाइपोथर्मिया होने के चांसेस होते हैं। तो ईश्वर के मंदिर की घंटी सुनाई दी, मुझे लगा कि इट्स अ पॉजिटिव साइन। और फिर वहां पे जो सेल्फ मशीन थी, मोटिवेशन। जिप्सी, लास्ट में एक जिप्सी होती है जो लास्ट पेट्रोल होता है, जो क्लियर करके जाता है कि ऑल ओके, अब कोई व्हीकल पीछे नहीं छूटा है। हाँ मैंने उनमें से एक दार्जी थे, मैंने उनको बोला कि भैया मेरी बाइक ना स्टार्ट नहीं हो रही है, तो हाँ उन्होंने बोला कोई बात नहीं। उन्होंने धक्का देकर दिया, नीचे की तरफ दिया धक्का देकर के, थोड़ा मशक्कत करने के बाद में बाइक स्टार्ट हुई और मैंने चलना शुरू किया। मुश्किल से 5 मिनट ही हुए होंगे, आई रियलाइज कि मेरी बाइक का लेफ्ट साइड का फुटरेस्ट टूट गया, जिसपे आप पाँव रखते हैं और गियर चेंज करते हैं। अब इतनी सर्द रात में, और जब आप पानी के बीच में से निकलते हैं तो वो बिल्कुल, कहते हैं ना, हड्डियों वो हड्डियों को गला देने वाला ठंडा पानी, उसमें से जब आप निकलते हैं आपके पाँव पूरे जम चुके हैं, और वो पैर को उठा करके गियर लगाना है बहुत ही बड़ा चैलेंज। और मैं थोड़ा और आगे चलती हूँ, आई रियलाइज मेरे ब्रेक फेल हो गए हैं। अब मैं उनको बता नहीं सकती, आर्मी वालों को, कि मेरी बाइक में ये दिक्कत हो रही है, क्योंकि वो मुझे किसी भी कीमत पे आगे नहीं जाने देंगे, और मुझे आगे जाना था। तो मैं धीरे धीरे 30 की स्पीड में चलती रही, बस आगे जाकर मैंने उनको ये रिक्वेस्ट किया कि आप बस मेरे पीछे चलिए, कि अगर कुछ भी हो गया तो एटलीस्ट ये है कि मुझे बचा करके ये कहीं तो ले जाएंगे। तो बस उनको मैंने रिक्वेस्ट किया, 30 की स्पीड पे मैं चलाती रही कि कोई ऐसा मौका आता है तो मैं एकदम से कूद करके अपनी जान बचा सकूंगी, बाइक निकल जाएगी। तो एक ये मौका था जो बहुत ही चुनौती भरा था। ऐसे तो बहुत सारे वाकिए हैं, और अगर ये तो समय सुन के, आपके मैं तो इतना ही पास सुन के ये सोच रही हूँ कि अपने आप को उस सिचुएशन पे देख के सोची थी कि मैं तो शायद रोना धोना शुरू कर चुकी होती। ये तो बहुत मुश्किल चीजें हैं जो आपने इतनी बहादुरी से पार किया। माय गॉड, हैट्स ऑफ टू यू। आप यूं ही इतने लोगों के लिए मोटिवेशन का केंद्र नहीं है, यूं ही नहीं है बिल्कुल भी। ऐसा ही एक वाकया होमलिंगला, जब मैं जा रही थी 2017 में अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए, तब उस समय इंडस रिवर में बहुत ही भयंकर बाढ़ आई हुई थी, तो कैरी तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। जी उमलिंगला जो है सदर लद्दाख में है, तो बहुत ही जी रिमोट एरिया है। जब हम ये आपको मेरे यूट्यूब चैनल्स में मिल जाएंगे वीडियोस देखने के लिए, तो जब वो नदी की तरफ बिल्कुल आए तो वहां से सामने से ट्रक निकल करके आया, बाकी जितने भी टूरिस्ट व्हीकल्स थे वो सारे यूटर्न लेकर के जा रहे थे। तो जो सामने से आर्मी का एक ट्रक आया, मैंने उनको बोला कि भैया क्या जा सकते हैं नहीं जा सकते क्या है? बोला मैडम जा ही नहीं सकते, किसी भी तरह से नहीं जा सकते, और आप भी यहाँ से यूटर्न लेकर के जाइए, क्योंकि पूरी नदी ने किनारा, जैसे रोड होती है, रोड का हाँ किनारा काट दिया है। मतलब एक तो ओ ये किनारा होता है, ये तो पता हाँ ही नहीं है कि कहाँ है, कहाँ नदी है, कहाँ रोड है, आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन जब वो तेज रफ्तार में आती है और चट्टान होती है, चट्टान से टकरा करके जाती है, तो चट्टान की साइड का हिस्सा भी जो है वो गहरा हो जाता है। काट लेते हैं। तो ओहो हाँ जी, तो उन्होंने बोला कि मैडम, मैंने कहा जाना तो मुझे जरूर है, अब मुझे ये देखना है कि आपका कितना टायर डूबा हुआ है पानी में। तो वहां से वो तो निकल गया ट्रक, तो एक और गाड़ी का मैंने वेट किया। मैं 2-3 गाड़ियां देखा कि किनका, छोटी गाड़ी या बड़ी गाड़ी, कहाँ तक टायर उनका डूबा हुआ है, कि जस्ट टू मेक श्योर कि मेरी बाइक निकल पाएगी कि नहीं निकल पाएगी। वो एक वक्त बहुत ही मुश्किल वक्त था, जिसमें मेरे को तय करना था। एक एक क्षण के लिए मुझे लगा कि शायद नहीं हो पाएगा, पर दूसरे ही क्षण मुझे ये जवाब आया कि तुम ये डाउट करने वाली कौन होती हो। जब ये आइडिया आपको ऊपर वाले ने दिया, उसका थॉट है, उसने हिम्मत दी है, तो आप अपने आप पे डाउट नहीं कर रहे हो, आप ईश्वर पे डाउट कर रहे हो। तो मैं कहूंगी वो जर्नी जो थी मेरे लिए, इट वॉज दैट एंटायर जर्नी वॉज अ जर्नी ऑफ फेथ फॉर मी। और वो जो ईश्वर पे विश्वास था, और आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मैंने ये निश्चय किया कि हाँ मुझे ये करना है, और किस तरीके से नदी को मैं चीर करके गई हूँ, और वो शख्स भी वो जिसको कि स्विमिंग नहीं आती है तो मुझे नहीं पता कि मुझे कहाँ से इतनी हिम्मत मिली और मैं किस तरीके से चीरते हुए उस नदी को निकल करके गई हूँ। सिर्फ एक विश्वास के, ये ईश्वर की मर्जी है।
और वो मेरे लिए क्षण आज भी मुझे याद है, और वो जब याद करती हूँ तो आज भी मेरे रोंगटे खड़े होते हैं उसको याद करते हुए। आपको शायद पता नहीं आपने मुझे कितने गूज बम्स दिए हैं थ्रू आउट द इंटरव्यू, मतलब मेरी हालत खराब हो गई आपकी बातें सुन सुन के, और मैं हर जगह अपने जी आप को प्लेस करके देखती हूँ और मैं सोचती हूँ कि मतलब मैं कंपेयर ही नहीं कर सकती आपको और अपने आप को, ना दो बिल्कुल अलग अलग जी हस्तियां, मतलब मैं कुछ जरूरत जी से ज्यादा डेलिकेट डालिंग और आप रफ एंड टफ कुछ भी करने को राजी। अच्छा आपका कोई ऐसा आइडियल भी है जिसको जो आपको प्रेरणा देते हैं, कोई ऐसा है? देखिए, ऐसे तो जीवन में बहुत सारे लोगों से आप मिलते हैं, बट वो एक कहानी के तौर पे हो जाते हैं। असली प्रेरणा जो होती है आपके अंदर और आपके इर्द गिर्द होती है। तो अगर मैं गुरु के तौर पे देखूं तो वो मेरे पिताजी थे, और पिताजी हैं, सॉरी। और सब देखिए, लड़ाई आपकी होती है, चुनौतियां आपकी होती हैं, और प्रेरणा भी आप ही होते हैं। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा कोई है ऐसा जो आपको डरा सकता है? आप अंधेरे से नहीं डरती, पानी से नहीं डरती, मतलब पहाड़ों से नहीं डरी, एवलांचेस से नहीं डरी, कुछ ऐसा है जो आपको डराता है? ईश्वर ही कभी सामने लेकर के आएगा। ये सारे उसी के दिए हुए तोहफे हैं। आप किसी चीज से नहीं डरती ना? अभी तक तो ऐसा ही है। अच्छा आपका कोई सबसे बड़ा ड्रीम है जिसे आप चाहते हैं कि वो पूरा हो जाए? देखिए, मैं कभी लाइफ में ये सोच करके नहीं चलती कि मुझे ये करना है। जैसे जैसे जिंदगी बढ़ती जाती है, जैसे जैसे आज भी जैसे मैं निकली थी, हर मोड़ के साथ में ना, जरूरतों के हिसाब से आपके रास्ते बनते जाते हैं। ऐसे तो बहुत सारी चीजें, हम लोग बहुत सारी चीजें सोचते हैं, पर जो आपके हिस्से की होती हैं, जो काम आपके होते हैं, वो आपको आइडियाज आपके परमानेंट होते जाते हैं और उस पे आप निकलते जाते हैं। इस तरीके से होता है। तो सपने तो बहुत सारे होते हैं, पर वो तब तक है कि जब तक पूरे ना हो जाए, उनके बारे में कुछ भी बिल्कुल कहना। बिल्कुल जी, कोई दिक्कत नहीं। कुछ अच्छा हम चीजों डर लोग को कई बार लेकर अपने के, तो डर तो नहीं कहूंगी, लेकिन कुछ चीजों को लेकर के हेजिटेशन हैं, जैसे और भी चीजें हैं, आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई स्किल्स, उन सब चीजों को लेकर के हैं, तो वो जरूर, वर्किंग ऑन इट। जी अच्छा आपको कभी किसी ने बोला कि आपकी आवाज बहुत अच्छी है? अभी आपने बोला शायद। आपकी आवाज वाकई बहुत अच्छी है, अगर आप हमारे वाले प्रोफेशन में हो ना तो आपकी आवाज और आपकी आपका अंदाज दोनों बहुत खूबसूरत है, वो आप बहुतों की थैंक नौकरी खा जाएंगी। आप बहुत यू। जबरदस्त नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कोई आप इरादा नहीं है मेरा। हाँ नहीं जी, आपका इरादा अच्छा है कि आप चुपचाप बाइक चला रही हैं, वरना हम जैसों की बहुत सारों के लिए दिक्कत हो जाती। आपकी आवाज और आपका अंदाज में ऐसा बोला है दोनों बहुत खूबसूरत है, कभी अपनी आवाज सुन के देखिएगा, बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है। और मुझे आपसे ये भी पूछना था धन्यवाद। कि क्या कोई आपको रिग्रेट हुआ कभी किसी चीज का? अब बैठ के सोचती हूँ। देखिए, ये रिग्रेट और ये सारी चीजें, ये आपके, मैं कहूंगी, देखिए, आप अपने क्या फीड करना चाहते हैं, अपने मन को, अपने ब्रेन को, कि ये नहीं हुआ। या मैं एक चीज कहती हूँ, इंसिडेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, आप उनसे क्या सीखते हैं। वो ऐसा नहीं होता कि कोई भी चीज मैं कहूंगी फिजूल में हुई। या तो वो आपको सिखा कर जाती है, या वो आपको कुछ ना कुछ बना करके जाती है। तो ये कम्प्लीटली आपका आउटलुक है। तो ऐसा तो नहीं है कि मुझे किसी भी चीज का रिग्रेट हुआ अभी तक। आई एम वेरी मच हैप्पी। अच्छा अगर आप बाइकर ना होती तो क्या होती? मैं शायद आर्मी में होती, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वाह ऐसा ही जोखिम भरा काम कर रही होती। बिकॉज जब तक वो एड्रेनलिन रश नहीं मिलता ना आपको, चुनौतियों वाला, जहां एक डर और विजय और उसका एहसास होता है, तो मैं कुछ ना कुछ ऐसी ही वाह फील्ड में कुछ ना कुछ कर रही होती, क्योंकि मेरा सपना भी था आर्मी ज्वाइन करने का, तो समहाउ किसी वाह। कारणवश नहीं हो पाया। अच्छा जी जब आप बाइक पर बैठती हैं, आपके हाथ में हेलमेट होता है और आप बाइक पे जैसे बैठती हैं, उस वक्त आपके अंदर किस तरह की फीलिंग्स होती हैं, क्या चल रहा होता है दिमाग में?
जब मैं बाइक पे बैठती हूँ मुझे लगता है कि बस ये पल वो पल है, ये वो पल है जिसमें मुझे कहते हैं ना कि जीने के लिए अगर मैं मैंने कितनी जिंदगी जी है, इफ आई हैव टू कैलकुलेट, तो मैं पैदा होने से लेकर के अपने दिन साल घंटे सब गिनना शुरू कर दूंगी, नहीं, मैं वो पल गिनूंगी जितने टाइम मैंने अपनी बाइक पे बैठ के राइड करी है, कि हाँ ये वो पल है जिनमें मैंने अपनी जिंदगी जी है अपने साथ में, और हर एक किलोमीटर के साथ में अपनी नई क्षमताओं को जाना है, अपने आप को पहचाना है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल तो ये जो हर माइल के साथ में जो मेरी खोज मेरे को पाने की रही है, इसने जिंदगी बहुत खूबसूरत बनाई है। सो हार्ट टचिंग। अच्छा पल्लवी जी, कई बार ऐसा भी होता है ना, जब हम अपने सपनों को, अपनी जिंदगी को जी रहे होते हैं, तो कई जी बार आसपास से बहुत सारी शिकायतें आती हैं कि हम नजरअंदाज हो गए। आप जी अपने अपने लिए जीती रही, हमें नजरअंदाज कर दिया। क्या कभी इस तरह की कोई चीज आपको, आपके परिवार से, आपके अपनों से कभी कोई शिकायत मिली? देखिए, अगर आप अपनी इर्द गिर्द लोगों की शिकायतों पे ध्यान देंगी तो फिर आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। और एक चीज होती है, जब तक आप खुश नहीं हैं, आप लोगों को खुश कैसे रखेंगे? दोनों जैसा बातें आपने बिल्कुल कहा मेरी आवाज को लेकर के, कई लोग बोलते हैं कि स्माइल को लेकर के, अगर वो मेरे अंदर से नहीं आ रही है और तो वो आपको खुशी कैसे देगी? तो वही चीजें होती हैं। देखिए, सबसे पहली बात है, पहली चीज जो एहसास है आपको अपने अंदर से, दिल से होना चाहिए, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, एंड मेरी क्षमता के अनुसार मैं जिसके लिए जो कर सकती हूँ वो मैं कर रही हूँ। आप अपने कर्तव्य को पूरा करिए, बाकी जमाने को तो सेटिस्फाई करते करते, कहते हैं ना, वो ईश्वर भी अवतार लिया और चले गए, वो भी सबको सेटिस्फाई नहीं कर पाए, तो वो भी नहीं कर आप तो पाए। एक इंसान है। जी, कहीं अच्छा पल्लवी जी, बहुत ना सारी कहीं कमी महिलाएं रही हैं, जाती है। हाँ हाँ जी जानते हैं, बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो उस एक कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलती। और मैं उसे कंफर्ट जोन भी नहीं कहूंगी, कई बार वो जो प्रेशर होता है, आपकी फैमिली का प्रेशर होता है कि हम अपने सपनों को हर बार दबा देते हैं, है ना। हम में से हर कोई इतना साहसी नहीं है। असल में ये साहस की बात होती है कि आप अपने जीवन को अपने हिसाब से जीना चाहते हैं और आप जी रहे हैं। और कई बार होता है कि आप जीना चाहते हैं लेकिन घुट घुट करके रह जाते हैं, आप कुछ नहीं कर पाते हैं। ऐसे जी लोगों को आप क्या मैसेज देंगी जिनके सपने देखिए, हैं पर नहीं जी पा रहे? मैं एक ही चीज कहूंगी, ये जो बहानों का या ये जो एक आपका मजबूरियों का जो ये एक पिंजड़ा जो आपने अपने इर्द गिर्द बुन रखा है, अगर आप कुछ भी चाहती हैं, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, अगर आप चाहती हैं तो ये जो डर है, ये झिझक है, ये आपकी चाहत ही खत्म करती है। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी चाहत वो कितनी स्ट्रांग है, क्योंकि अगर आप कहें कि घर वालों की बात कहें कि समाज क्या कहेगा, तो ये भी वो रोके, हम उससे पहले अपने आप को रोक लेते हैं, हम वो बेड़ियां खुद अपने पैरों में डाल लेते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भाई ये तो चीज नहीं हो पाएगी। लोग कहते भी नहीं है, उससे पहले ही हम सोच लेते हैं कि ये कहेंगे या वो कहेंगे। आप एक बार निकलिए तो सही, कहा था मेरे लिए भी, आज जब नाम हुआ तो अब सब पीछे हैं, पीछे इन द सेंस कि मतलब साथ हैं कि तुम करो, राइट अब राइट बेटा नेक्स्ट राइड पे कब निकल रहे हो। हाँ तो जब आप कुछ करते हैं, कोशिश करते हैं, देखिए कोशिशों का तो लोग मजाक बनाते हैं, आप यू शुड बी सेटिस्फाइड, एटलीस्ट आपने कोशिश तो करी। सबसे पहली चीज, फेलियर से मत डरिए। अगर आपके मन में कुछ आया है, कुछ इच्छा जागृत हुई है, तो आप उसको बेझिझक करने के लिए निकलिए, साधन जुटाइए, चाहे वो परमिशन से लेकर है या फिर उस कार्य को लेकर आगे बढ़ने के लिए, जिस जो भी आप करना चाहते हैं, आप अपने आप करिए। शुरुआत में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन कहते हैं ना, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, वो रास्ता अपने आप निकल करके आता है आपके लिए। अच्छा एक ना आखिरी सवाल पूछूंगी जो थोड़ा सा अजीब सा हो सकता है, जो मेरे पुरुष फॉलोअर्स हैं और मित्र हैं वो थोड़ा नाराज भी हो बिल्कुल जाएंगे बिल्कुल मुझसे। मैं उनके लिए आपसे पूछना चाहूंगी, आप बाइक पे जाती हैं
पुरुषों को टक्कर देती हैं, उन हाँ बेचारों ने कभी आपको परेशान करने की कोशिश की, मतलब कभी वो चिड़चिड़े हुए कि यार ये देखो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना गई, इतने सारे रिकॉर्ड्स बना गई, हम देखो हम कुछ नहीं कर पाए टाइप, क्या आपको कोई टैंट्रम या उनकी तरफ से कुछ ऐसा एहसास हुआ कि वो आपको मतलब अपने से कंपेयर करने में वो हिचक रहेगी, भाई हम क्यों उनको अपने से ज्यादा तवज्जो दें या हमसे बेहतर ये कैसे, ऐसी किसी सिचुएशन को देखिए आपने फेस किया है? देखिए, मैं इस चीज को कंप्लीटली पुरुषों को लेकर के तो नहीं कहूंगी, बिकॉज डायरेक्टली पुरुषों को लेकर के तो ऐसा अनुभव मैं ऐसा कुछ नहीं फील किया. बट हाँ, जब आप कहीं पहुंचते हैं, किसी भी मुकाम पे होते हैं, आप जरूरी नहीं है बाइकिंग में हो, कहीं पे भी हो, जहां पे भी आप आगे बढ़ते हैं और आप किसी मुकाम पर पहुंचते हैं, तो आप बहुत लोगों की आंखों में खटकते हैं. और जितना ज्यादा आप ऊपर पहुंचते जाते हैं, आप उतने ज्यादा मतलब खटकते हैं और खटकते गिनती के ही लोग आपके इर्द गिर्द रह जाते हैं. इट इज लाइक आप एक स्टेयर केस पे चढ़ रहे हैं, तो सबकी क्षमता नहीं है ना ऊपर ऊंचाई तक पहुंचने की, तो आपका सर्कल, आपका यस दायरा भी कम होता जाता है. तो मैं ये कहूंगी कि जो अनवांटेड लोग हैं, वो फिल्टर होके अपने आप नीचे छूटते जाते हैं. तो ये एक चीज जरूर होती है. और बाकी मैं ये कहूंगी कि हम लोग जिस देश से हैं, हमारे यहाँ स्त्री को पूजा जाता है, तो सम्मान है, सम्मान मिलता है. सम्मान, आप घर से बाहर ये निकलते शुक्र है। हैं, खास तौर पे अनजान लोगों में बहुत सम्मान मिलता है. जब आप घर से बाहर निकलते हैं, जिस तरीके से वो आपको प्रोटेक्टेड फील कराते हैं, अगर आप कहीं रुक गए हैं, बाइक में कुछ हुआ, द मोमेंट यू टेक आउट योर हेलमेट, और उनको पता चलता है कि भाई एक लड़की है इसके अंदर, तो जब तक उनको लड़का लगता है, वो नहीं, हाँ कोई किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता. जैसे ही आप अपना हेलमेट उतारते हैं हाँ और वो देखते हैं कि अरे इसमें तो लड़की है, तो जरूर पूछते हैं अगर कोई बुजुर्ग है, बेटा सब ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है. वरना हर एक आपको हाँ यही पूछेगा कि आप हमारे इलाके से गुजर रहे हैं तो सब ठीक है ना. तो जो एक जी अतिथि देवो भवा का जो है ना, वो हम लोग के अंदर कूट कूट के भरा हुआ है. तो ये एक चीज की अनुभूति और जो एहसास है ना, उससे बहुत खुशी मिलती है. मुझे बहुत अच्छा लगा सुन करके। मैं सच में ये सोचा करती थी कि शायद हो सकता है कि पुरुषों को लगता होगा कि हमारे समान या हमसे बेहतर कोई महिला कैसे हो सकती है, लेकिन आपने पता मेरा नहीं, मैं परसेप्शन लगता चेंज होगा तो कर मेरे सामने नहीं आए ऐसे दिया। कोई पुरुष. हाँ सामने वैसे भी कौन बोलने की हिम्मत कर पाता है। पर जी वाकई आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा। आप मतलब एक इस तरह की इंस्पिरेशन है कि जितनी बार मैं आपको शायद इस इंटरव्यू को मैं सुनूंगी, मुझे उतनी बार आपसे प्रेरणा मिलेगी। मैं अक्सर ना लोगों से कहती हूँ कि कोई मोटिवेटिंग लाइन बताइए अपने लिए, पर मुझे लगता है कि आपका तो पूरा इंटरव्यू भी फुल ऑफ मोटिवेशन था। मैं आपसे एक अलग से मोटिवेशनल लाइन कहाँ से पूछूं? अगर फिर भी आपके मन में कोई ऐसा वाक्य या कोई शब्द ऐसा है जो आप हर बार अपने आप को कहती हैं, तो मैं चाहूंगी कि वो मैं भी मंत्रा बनाना चाहूंगी अपना। वो क्या कहती हैं आप खुद को? बस मेरी चार लाइनें हैं लिखी हुई, वो जरूर मैं चलते चलते आपके साथ साझा करना चाहूंगी. जैसे जी प्लीज आपने पूछा बताइए। था कि आपको डर नहीं लगता जब आप मुश्किल रास्तों पे होते हैं, तो वो चार लाइन इस तरह से हैं. डर मुझे भी लगा रास्ता देखकर. नहीं सॉरी, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, लेकिन मैं बढ़ती गई रास्ता देखकर. डर मुझे भी लगा फासला देखकर कि अरे मंजिल तो अभी बहुत दूर है, वहां तक कैसे पहुंचूंगी. डर मुझे भी लगा फासला देखकर, लेकिन मैं बढ़ती गई रास्ता देखकर, कि एक सीढ़ी दिख रही है मुझे, पहले उसको तो चढ़ू. मैं बढ़ती गई रास्ता देखकर, मंजिल खुद ब खुद करीब आती गई मेरे, मेरा हौसला देखकर. तो ये एक्चुअली बस ब्यूटीफुल है। आप अपने बेबी स्टेप्स पे फोकस करिए. अगर आप सीधे फिफ्थ गियर में गाड़ी उठाना चाहेंगी, स्टार्ट करना चाहेंगी, तो नहीं होगी. पहले फर्स्ट गियर डालना पड़ेगा आपको, फिर सेकंड, फिर थर्ड. तो लवली बस लवली, यही यही नियम, चाहे गाड़ी के हो चाहे जीवन के हो, आप फॉलो करिए, जीवन आसान बन जाएगा. थैंक यू सो मच। आपसे वाकई बात करके बहुत मजा आया, बहुत मोटिवेशन मिला, और जी आपसे मुझे मिलने की भी अब तमन्ना है, क्योंकि मैं भी दिल्ली में, आप भी दिल्ली में, आप दिल्ली कैंट, मैं द्वारका, बहुत दूर बिल्कुल, नहीं। एनी टाइम. तो मुझे आपसे आपसे एक बार बाइक जरूर सीखना चाहूंगी। आई वुड लव टू लर्न इट फ्रॉम यू। तो मिलते हैं आपसे जल्दी ही। थैंक यू फॉर द मोटिवेशन, थैंक यू फॉर एवरीथिंग।
थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. थैंक यू. बहुत बहुत धन्यवाद योगिता आपका। बाय.